हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, एक्चुअली अभी सुबह हो चुका है, तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो अभी मैं निकलने वाला हूँ थोड़ा सा वॉकिंग करने के लिए, तो चलिए वहाँ पे पहले वॉकिंग करते हैं, उसके बाद मैं क्या क्या करता हूँ सब कुछ दिखाते हैं, ठीक है। एक्चुअली मैं पहले ही मतलब मुँह हाथ सब धो लिया, और अभी बच्चे लोग ट्यूशन भी आने वाला है, इसलिए ज़्यादा दूर तक भी नहीं जा सकता है, तो चलिए देखते हैं कहाँ जा सकता है, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। बस मेरा बाइक और अंकल का स्कूटी भी निकल के रख दिया गया है, सुबह हो गया ना, सब लोग निकल रहे हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं फुल भी थोड़ा सा खिला हुआ है, तो अभी चलेंगे गेट में। ये देखो, ओ माय गॉड, और हम लोग का गेट जो है कैसे लगाते हैं देख सकते हैं, मिस्त्री ने कैसे बनाया पता नहीं चल रहा है। ये अंदर पे होना चाहिए था, लेकिन ये बाहर पे लगा रहा है। और यह है हम लोगों का सुबह का नज़ारा, और इस तरफ जाता है अमटोला, और इस तरफ जाते हैं हम लोगों का हो जाए न्यू मार्केट। तो न्यू मार्केट की तरफ चलते हैं अभी, और हम लोग का घर के ठीक सामने ही मतलब मेरा एलपी स्कूल था, देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी है ये। यहाँ से मैंने एलपी स्कूल का पढ़ाई जो है वो मैंने वो यहीं से किया था, और यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ है देख सकते हैं, पीपल पेड़, और यही है हम लोगों का स्कूल। और अभी बहुत सुंदर करके गेट सेट बना के रखा गया है देख सकते हैं यहाँ पे, और ये वाला जो है नया करके बना हुआ है, और ये वाला पुराना था जहाँ पे हम लोग भी पढ़ाई किए हैं इसके पहले भी। और एक यहाँ पे और एक पुराना वाला था जो ब्रिक्स का नहीं था, तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे। So guys, अभी मतलब स्टूडेंट लोग भी आ चुके हैं ट्यूशन के लिए, तो अभी मैं घर के लिए लौट रहा हूँ। तो आज का दिन पे मतलब क्या क्या होता है मैं सब कुछ दिखाने के लिए ट्राई करूँगा, तो वीडियो को बने रहिए लास्ट तक। अभी देख सकते हैं गुड मॉर्निंग फोटोनो भी, और यहाँ पे फोटोनो ठंडा हो गया। ओके, यहाँ पे आग जलाने वाला है, गाय को भी ठंडा लगता है ना इसलिए। देख सकते हैं यहाँ पे अनीस है, यहाँ पे अनीस, ओ अनीस, ये देखो बोबो के साथ खेल रहा है अनीस, केनो चलो केनो चलो थंग अभी मैं स्कूल आ चुका हूँ, तो अभी मैं दिखाने वाला हूँ जो स्टूडेंट लोगों ने थोड़ा सा ड्राइंग किया गया था, तो उसको मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ। सो गाइस, अभी मैं स्कूल से आने के बाद मतलब आज थरोई ठोंगा खाया, एक्चुअली जो स्नेल है उस स्नेल का करी खाया, क्योंकि बहुत सारा वो हो गया था, पूरा लाल हो गया था होट वगैरह, क्योंकि बहुत सारा मिर्ची डाल दिया था। और आप लोग भी खाइएगा स्नेल बना के, अच्छा लगता है। और स्नेल बनाने का जो प्रोसीड्यूर है, जो प्रोसेस है मतलब मैं
मैं बाद में कभी मतलब ट्राई करूँगा कि आप लोगों को दिखाने के लिए। तो अभी के लिए मैं आप लोगों को दिखाने के लिए आया हूँ एक पठार, देख सकते हैं यहाँ पे, आप लोगों को पता ही होगा ये पठार, जहाँ पे मतलब कुछ दिन पहले पूरा खैर ही खैर हो गया था, लेकिन इस बार देख सकते हैं मैं दिखा रहा हूँ। सो गाइस ये एक्चुअली ये देख सकते हैं पूरा खाली हो चुका है, और यहाँ पे कुछ कुछ गाय भी बांधा गया है, क्योंकि वो लोग जो यहाँ पे खैर जो रह गया है वो लोग को खाते हैं, और इधर से मतलब नया एक पेड़ उगता है, पेड़ नहीं घास उगता है, तो उसको ही वो लोग खाता है। तो यही है पठार, बहुत बड़ा है, और यहाँ पे हाथी भी आया करता था। एक्चुअली हम लोगों का घर जो है यहाँ तक घुस गया था, और जो दरवाज़ा है यहाँ पे उसको भी तोड़ दिया गया था। तो इस बार तो ऐसा देखने को नहीं मिला, क्योंकि पता नहीं अच्छा ही हुआ। तो चलिए मिलते फिर। सो गाइस पठार वगैरह में मतलब हम लोगों का जो बचपन का जो बातें हैं वो सब जुड़ी मतलब सब रिलेटेड है, मतलब एक्चुअली जो हम लोग बचपन पे जाते थे भगोनी खाने के लिए, एक्चुअली जो समझ में जो भगोनी बोलते हैं उसको खाने के लिए जाते थे हम लोग, जो हिंदी में शायद बेर बोलते हैं ना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो उसको खाने के लिए हम लोग पठार मतलब पत्थर के बीच में जाके खाते थे, क्योंकि वहाँ पे जो बेर है मतलब मीठा होता है, ऐसा कुछ चुना था, इसलिए हम लोग जाते थे। और चिड़िया का घोंसला भी देखते थे वहाँ पे। एक मैंने क्लास 3 या 4 में मैंने एक कहानी सुना था, मतलब एक घोंसला था चिड़िया का, तो मतलब रखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब वो सब दिन भी याद आ जाता है कभी कभार, क्योंकि हम लोग ने भी मतलब देखने के लिए गया था, कभी कभी तो लेके आने के लिए मन भी किया था हम लोग ने भी, एक्चुअली पता नहीं उस समय में क्या किया था, लेकिन हम लोग जाते थे। और भगोरी तो क्या बोले, बहुत खाया है, और मतलब पठार के बीच में मतलब एक पेड़ रहता है बराबर, तो उसमें मतलब एक भगोरी का पेड़ भी रहता था। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे फोटो नबी भी यहाँ पे खा रहा, तो ये है हम लोगों का फोटो नबी। तो गाइस ये है फोटो नबी पूरा खा के आराम कर रहे हैं अभी। तो गाइस यही है पठार, देख सकते हैं पूरा भरा है, वाओ। इधर पे मेला सेला होने से मतलब अच्छा लगेगा, पूरा लाइट ही लाइट होगा, तो क्या बोले। तो और अंदर जाने के लिए मन नहीं मान रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पे। और पहले हम लोग जब सता था, ये जो पेड़ है ना, ये दिखाई दे रहा है ना, ये पेड़ में मतलब भूत है बोल रहा था मेरे मम्मी पापा लोग बोबोग लोग, तो हम लोग नहीं जाते थे इस पेड़ के नीचे में, क्योंकि इस पेड़ का स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप लोग, पूरा खतरनाक है, देख सकते हैं कैसा है, ओह माय गॉड। तो यही है गांव का लाइफ, विलेज लाइफ। सो चलिए फिर, मैं उसके थोड़ी देर बाद मतलब मैं ट्यूशन जाने वाला हूँ, उसके बाद मिलते हैं। और गाइस बचपन का जो यादें हैं मतलब बहुत ताज़ा हो जाता है, जब मतलब बचपन में जो भी चीज़ हम लोग ने किया था वो थोड़ा बहुत देखने के बाद मतलब। तो गाइस हाँ, आप लोग भी ऐसा होता है कि नहीं होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक्चुअली जब जैसे कि हम लोग पहले मार्बल इतना खेलते थे, मतलब क्या बोले, पॉकेट में मतलब अभी जो टाइम है ना, पूरा मार्बल खेलने का टाइम है, सुबह उठने के साथ साथ मतलब मम्मी लोग बोलते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन हम लोग जाते थे मार्बल खेलने के लिए, और पापा मम्मी लोग पकड़ के पिटाई करते थे, पूरा याद आ जाता है। तो क्या बोलूँ बचपन का यार, एक्चुअली वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा बचपन में क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो अभी तो थोड़ा नौकरी का लाइफ भी स्टार्ट हो चुका है थोड़ा थोड़ा, तो चलिए देखते हैं क्या होता है, ठीक है, तो मिलते हैं। सो गाइस अभी मैं निकल रहा हूँ ट्यूशन के लिए, तो चलिए देखते हैं, और गाड़ी भी रेडी हो चुका है, तो निकल रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट मॉर्निंग मम्मी ठीक हो चुका है, तो अभी बना रही है मम्मी, देख सकते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं मणिपुरी में क्या बोलते हैं इसको, कई कोई सा हाँ चमथोंग हाँ, और यहाँ कई मणिपुर का यहाँ नहीं गया था, मैं यहाँ मणिपुर चमथोंग से कहना फाइना मनी कहा नहीं, एक्चुअली ये मणिपुरी में कुछ अलग बोलते हैं, भूल गया मैं नाम, आप लोग जानने से मतलब कमेंट कीजिएगा। और इसको एक्चुअली बॉयल ही है, देख सकते हैं पूरा बॉयल, पूरा हेल्दी होगा आज, वाह। और यहाँ पे बन रहा है खाना, तो इसके बाद खाना खाऊंगा, बाय बाय।